MCQs, multiple choice questions, your most complicated and confusing questions, जैसा कि मैं इनको कहती हूँ. लगते तो बहुत अच्छे हैं, लगता है कि बहुत स्कोरिंग है, लेकिन जितने स्कोरिंग है उतने ही रिस्की हैं. मार्क्स आते हैं तो जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से चले जाते हैं. तो आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस टेस्ट के लिए कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स, किस तरह से हम गेस वर्क करें और वो गेस हमारा सही हो. तो कोशिश तो यही करूँ कि गेस ना लगाना पड़े. मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ गेसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन तो पढ़ाई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ एक दो क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं. वहां के लिए टिप्स है किस तरह से आप बिना परेशान हुए, बिना कंफ्यूजन के अटेम्प्ट करिए इस तरह से कि आपके आंसर्स बिल्कुल सही आए और फुल स्कोरिंग हो, आपका सक्सेस करियर अच्छा हो. और ये टिप्स और ट्रिक्स आप अपने हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर डेली के टेस्ट, बोर्ड के एग्जाम हर जगह यूज कर सकते हैं. तो MCQs का जो सीक्रेट है वो ये है कि आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है. सिमिलर आंसर्स तो कई होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा बेस्ट आंसर को ही चूज करें. और कई बार ऐसा होता है कि आप पहले एक चॉइस करते हो और उसके बाद लगता है नहीं है ये सही नहीं है और आप बीच में आगे उसे कन्फ्यूज कर बदल देते हो. ज़्यादातर आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है ना वो कहते हैं सिक्स सेंस, वो सही होता है. बार बार आंसर को चेंज मत करना जब तक कि आपको श्योरिटी ना हो. और अगर आंसर नहीं आता तो एक और चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ जो आपकी क्लास में भी कोई नहीं बताएगा और मैं भी आपको क्लास में नहीं कहूंगी. अगर कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है ना तो उसे छोड़ देना, पूरा पेपर पढ़ो. कई बार आपको उस एमसीक्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पेपर में ही आगे मिल जाएगी और जहां से मिले उसको सोचो, उसको समझो और पेपर पे वापस आकर उसको अटेम्प्ट कर लो. है ना ब्रिलियंट आइडिया? तो पेपर बिना पूरा पढ़े कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, सारे क्वेश्चंस को भी करो और उसके बाद अटेम्प्ट करो. जैसे कि गेस वर्क कैसे होता है, देखो पतंजलि किसका कंपाइलेशन है. अब हो सकता है आपको ये बुक ना पता हो क्या है ये, लेकिन पतंजलि से आपको कौन याद आ रहा है? बाबा रामदेव, योगा. और आपका आंसर सही है, इसे लॉक कर दो. दिस इज गेस वर्क, चूज द राइट आंसर. तो कंफ्यूजन छोड़ो, आंसर को वे करो और सही चूज करो. अब ये थे बेसिक स्टेप्स किस तरह से हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाइए और इस वीडियो को दोबारा से देख लो. ये हमारे 7 स्टेप्स हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करो. कई बार इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ने से सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं. जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करो और आंसर्स को पहले अपने माइंड में लिख लो. ये आपका कन्फ्यूजन दूर करता है. सारे ऑप्शंस पढ़े बिना अगर आपको आंसर आता है तब भी अटेम्प्ट मत करना और जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको एलिमिनेट करना है. और यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलिमिनेशन की ट्रिक्स क्या है. सारे आंसर्स अटेम्प्ट जरूर करना, कुछ भी छोड़ना नहीं, चाहे आता हो या ना आता हो. और ध्यान रखो अटेम्प्ट करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस. हार्ड वर्क, परसिवियरेंस इज द की टू सक्सेस. अब हम इस वाले पॉइंट को इसमें देखने जा रहे हैं कि रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कैसे करें. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज में राइट आंसर ढूंढने से अच्छा है कि रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर दो. मान लीजिए एक क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए हुए, इन चारों में भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो एक सही होने की प्रोबेबिलिटी है 25%, मतलब 25%. अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो तो आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन, सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 33%. देखो 8% बढ़ गए. अगर आप दो को एलिमिनेट कर देते हो तो आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस बचती हैं जिसमें की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 50%. और अगर तीनों ही एलिमिनेट कर लिया तो फिर आपका आंसर श्योर शॉट 100% है. तो चले अगला देखते हैं. जैसे कि आप कुछ ट्रिक्स करते हैं किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक्स है. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, तो उसमें वैल्यू इंसर्ट करके लिख लो. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, 2, 4, 6 8 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, ये तो इसका आंसर है आपको 8 लेकर आना है. तो अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है और कई सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं तो उन ऑप्शंस को यहाँ पर रख के चेक कर लो, आपको सही आंसर मिल जाएगा. उसके बाद आप कई बार डायमेंशन से भी फिल्टर कर सकते हो, यूनिट से आप कर सकते हो. जैसे कि लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर 15 और 10 सेंटीमीटर, अगर हमें एरिया निकालना है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा. तो एक आंसर में हमने सिर्फ सेंटीमीटर दिया, हमने इसे एलिमिनेट कर दिया, ये तो हो गया हमारा रॉन्ग आंसर. अब ये जो रॉन्ग आंसर है वही बचे हमारे पास सिर्फ 3 आंसर. अगर आप इसे ध्यान से देखो, 5 और 0 इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में आंसर आएगा, हमने इसे भी एलिमिनेट कर दिया.
हमारे पास सिर्फ दो बचते हैं, कैलकुलेट कर लो अगर आता है और आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा एक हमारे पास क्लू होता है कि रिमूव द ऑप्शंस व्हिच आर एक्सट्रीम। ज्यादातर चांसेस ये है कि एग्जामिनर सिमिलर ऑप्शंस देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो जो बिल्कुल अलग सा ऑप्शन मिले ऑड वन आउट उसको छोड़ दो। जैसे कि अगर ऑप्शन है 9, 57, 60 और 950, तो इस 9 को भी हटा दो और 950 को भी हटा दो, बचे आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बी और डी, और आपका सही होने का चांस है 50%। ऐसे ही अगर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दिए हैं तो ज्यादातर चांसेस है कि एंटोनिम या सिनोनिम मतलब अपोजिट या सिमिलर वर्ड्स इन्हीं में से आंसर होगा। उसी तरह अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आप 1, 1, 6, 3, 1, 3, ये तीनों सिमिलर नंबर्स हैं, ज्यादातर चांसेस है कि आपका आंसर इन दोनों में से होगा क्योंकि ये सिमिलर है। ये हमेशा सही नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनर्स भी इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उसको फॉलो ना करें, और जो ज्यादातर एग्जामिनर इंटेलिजेंट होंगे ना वो इसे फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर इसी में से निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, यस और नो बैलेंस करो और उसके बाद आंसर दो। एक और, अगर आपका आंसर ट्रू और फॉल्स का है यस और नो, तो ज्यादातर आंसर यस होता है, लेकिन हमेशा नहीं, सारे एग्जामिनर्स भी उतने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। तो ये जो हम स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं प्लीज ध्यान में रखना, ये कोई स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में करना है आपको जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है। गेस मारना जरूरी है, अगर आता है तो कोई स्ट्रैटेजी यूज करने की जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट एग्जामिनर क्या करेगा, वो भी इन स्ट्रैटेजीज को जानता है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाएगा जिनमें स्ट्रैटेजीज को यूज करो। ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये सिर्फ आपके ऑप्शंस को नैरो डाउन करने के लिए है। गेस वर्क अगर आपको करना है तो किस तरह से चांसेस हो कि वो सही हो, इसमें हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप इनको यूज करो और इसको चीट कोड की तरह इस्तेमाल करो, ये चीट कोड नहीं है, ये सिर्फ मजबूरी में आपकी हेल्प करेगा, ये स्कोरिंग का तरीका नहीं है। पढ़ने के लिए नंबर लाने के लिए सबसे अच्छी अप्रोच है स्टडी, हार्ड वर्क एंड मोर हार्ड, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आपको आता है तो गेसिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती और आप खुशी खुशी अपना सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो। फिर भी यहाँ हम कुछ 7 स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यूज में यूज होती है। सबसे पहला क्या है कि एग्जामिनर्स ढूंढते हैं, ध्यान देते हैं सही चॉइस पर, और क्योंकि सही चॉइस पर उनका ध्यान होता है, कई बार क्या होता है कि इनकरेक्ट आंसर में ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं पोलर रीजन में लोग कैसे लिव इन एन, एंड में एन आ रहा है ना, अगर आप इन चारों में देखो तो वॉबल होगा, इसका मतलब यहाँ पर जरूर वॉबल होगा और आपका आंसर हो जाएगा ए, तो ये ग्रामेटिकल एरर है। दूसरा, अगर कोई बहुत ही फनी सा रिस्पॉन्स है, ज्यादातर कोई भी एग्जामिनर एग्जाम में मजाक के मूड में नहीं होगा, तो वो एग्जाम में ज्यादातर गलत आंसर होगा। एक और है इसका राज कि अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो बहुत लंबा है तो बहुत चांसेस हैं कि वही आंसर सही होगा। जैसे कि अगर हम देखें कि एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज, तो आप देखो इसका जो डी ऑप्शन है ये बाकियों से करीब करीब डबल है, तो आपको लगता है कोई भी एग्जामिनर फालतू में इतना टाइम वेस्ट करेगा, तो ज्यादातर क्या होता है ये ऑप्शन सही होता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ज्यादातर एग्जामिनर भी इंटेलिजेंट है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए गलत भी दे सकता है, पर ज्यादातर अगर बहुत लॉन्ग आंसर है तो उसके राइट होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चौथा हमारा स्टेप है कि अगर कोई एक्सट्रीम चॉइसेस हैं उनको हटा दीजिए, उन्हें पहले हटा दो, सिमिलर आंसर्स हैं तो वो बेहतर ऑप्शन है। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन में 9, 57, 60 और 950 है, तो ये दोनों तो सिमिलर से लग रहे हैं, चांसेस है कि आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये दिए हुए हैं, तो 9 को भी हटा दो और 950 को भी हटा दो, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे, इनमें से एक सही होगा। एंटोनिम्स या सिनोनिम्स अगर आपको दिए हैं, या सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स दिए हैं, सिमिलर दिए हैं, जैसे कि मान लो आपको बेटर दिया हुआ है, ठीक है, और बेटर के साथ आपको कंफ्यूज करने के लिए बेटर दे दिया, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, अब बताओ आंसर कौन सा है। ये भी हो सकता है आपको इसके साथ में बटर भी दे दें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, तो ज्यादातर जो इनके अलावा वर्ड्स होंगे ना वो नहीं होंगे, सिमिलर वर्ड्स ज्यादा होते हैं मैथ्स में, सिमिलर साउंड, ये तीनों वर्ड सिमिलर है, तो ज्यादातर आप इस वर्ड इस नंबर हटा सकते हो। ज्यादातर प्लीज ध्यान रखो, मैं बार बार ज्यादातर बोल रही हूँ, ऐसा मत करना कि इतनी खुशी खुशी जाओ और बिल्कुल क्या हो कि मैम ने कहा है, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। एक और तरीका है इसको ढूंढने का कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उतना चांसेस है कि वो आंसर सही होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको इन्फॉर्मेशन क्यों देगा, सही चीज की इन्फॉर्मेशन देगा,
जैसे कि अगर फायर टेम्पल जो है वर्शिप की प्लेस है तो वो कौन सी रिलीजन होगा? देखो यहाँ पर चार पांच ऐसी रिलीजन हो सकता है, आपने इनका नाम भी ना सुना। अगर आपने नाम भी नहीं सुना इनके बारे में, कुछ भी नहीं पता, तो फिर आप बिल्कुल ही गेस लगाओगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा गेस है ये वाला, देखो उसने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है ना, एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया है जो कि बाकी सब जगह नहीं दिया, तो आप डी को चूज कर सकते हो। ये सिर्फ अगर आपको गेस लगाना है, नहीं आता तब के लिए। अभी हमारी सिक्स चॉइस है, मेक एन एजुकेटेड गेस, गरों की तरह आंसर्स नहीं देने, सोच समझ के आंसर दो, अगर नहीं भी आता तो गेस भी सोच के लगा। ज्यादातर क्या होता है कि हमें ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव भी दिया होता है, तो अगर ऑल ऑफ द अबव है तो बाकी जो तीन या चार ऑप्शंस हैं उनमें अगर एक भी आपको सही लग रहा है तो फिर आप इसको चूज कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि एक भी सही नहीं है तो फिर आप इसको चूज नहीं करो, या फिर अगर ऑल ऑफ द अबव है और नीचे वाले ऑप्शंस में लग रहा है कि एक तो पक्का गलत है, जैसे आपको चार ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी और डी, आपको कोई सा भी नहीं पता कि सही है या गलत है, लेकिन डी आपको पता है ये तो सही नहीं है, तो अगर डी सही नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, इसको गलती से भी टिक मत कराना। तो सिर्फ एक आंसर आने से आपको सही आंसर मिल गया, और ऐसा ही है नन ऑफ द अबव। अगर इनमें से आपको पता है कि एक सही है, तो मैंने कहा डी गलत है, अगर आपको लग रहा है डी सही है तो नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, इसको आप काट दें, ठीक है। अब अगर ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव दिया और आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल ही वाइल्ड गेस लेना है, नो आइडिया अबाउट द क्वेश्चन, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ बेटर चॉइस देन नन ऑफ द अबव। तो ये सिर्फ तब यूज करना जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो। अब जैसे ये प्रोडक्ट है 82 और 5, नन ऑफ द अबव ज्यादातर क्यों नहीं होगा? अब इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो आंसर इसका आएगा 410। अब यहाँ पर नन ऑफ दीज अगर आप कर देते हो तो आपको पहले तो तीन बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कोई भी एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता कि आपको आंसर नहीं आता, हर एग्जामिनर आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, तो ज़्यादातर नन ऑफ द अबव नहीं होता ऐसे में, ठीक है। तो अगर ऐसी चॉइसेस हैं तो सोच समझ के लगाना, और ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव में कोई भी आंसर अगर सही लग रहा है तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा, अगर कोई भी गलत लग रहा है तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। इसी तरह से नॉट ऑलवेज नेवर, इसका ध्यान रखो, ज़्यादातर नॉट ऑलवेज नेवर वाले ऑप्शंस गलत ही होते हैं, क्योंकि अगर इनका आपको कोई भी एक्सेप्शन पता है, कोई भी एक्सेप्शन, तो फिर ये आंसर्स नहीं हो सकते, गलत होंगे। ज़्यादातर यूजुअली प्रॉबेबली वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर सही होते हैं। और एक लास्ट स्ट्रैटेजी है फेमिलियरिटी, मतलब क्वेश्चन आपको कितना जाना पहचाना सा लग रहा है, तो ये भी ध्यान रखना जितनी कम आपने तैयारी करी है क्वेश्चन उतना कम जाना पहचाना होगा, और जितनी ज़्यादा आपने तैयारी करी है उतना आपको क्वेश्चन ज़्यादा पहचाना मिलेगा। अगर आपकी तैयारी कम है तो फेमिलियरिटी वाले रूल पे मत जाना, अगर आपने अच्छे से ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है तब इस फेमिलियरिटी वाले रूल पर जाना। आपको कुछ याद आ रहा है, आप केबीसी देखते थे, केबीसी में भी आता था ना 50-50 ऑप्शन आता था, जिसमें वो कहते थे दो गलत ऑप्शंस को हटा दीजिए, वो भी आपकी एक एमसीक्यू को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी थी, जिसमें हम जो गलत आंसर हैं उनको एलिमिनेट कर देते थे। तो यहाँ हम उन्हीं टेक्निक्स को कर रहे हैं, तो आपको जितनी तैयारी हो उसके हिसाब से फेमिलियरिटी देखो। कई बार ये फेमिलियरिटी वगैरह मैं फिर से कह रही हूँ, आपको क्वेश्चन में कई बार पेपर में कोई और ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको याद आ गया, कई बार फेमिलियरिटी होती है, आप याद करने की कोशिश करो कि बुक में किस जगह पर था, या आपने इसके बारे में कौन सी पेज पे पढ़ा था, कोई फोटो थी, कोई चार्ट था, इस तरह से आप अपनी फेमिलियरिटी को ढूंढते हो। टाइम से हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फेमिलियरिटी सोचो, इसमें पहला प्राइम मिनिस्टर है एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो अभी कभी थे नरेंद्र मोदी, अभी हैं पहले तो नहीं हो सकते, बच्चे हैं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपने थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज होगी कभी पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से पहले थे, और अगर जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से पहले थे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये है फेमिलियरिटी, कुछ समझ में आ रहा है कैसे गेस लगाने। इसी तरह से यहाँ पर देखो, हम दो तीन डेटा अपने यूज करते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, इसमें सबसे लंबा आंसर भी है, और अगर आपने कहीं भी सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा है, अपना कंप्यूटर का पेपर आगे जाओ पीछे जाओ, कहीं ना कहीं आपसे पूछा होगा कि इसमें से सेकेंडरी डेटा को आइडेंटिफाई करो, अगर आपको टूल्स दिए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए सेकेंडरी डेटा, आप जैसे ही वहाँ पर पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा, फेमिलियर हो जाओगे आपकी सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वापस आओ इस क्वेश्चन पे और इसको चेक कर लो, और बाय चांस आपको इन सातों में से कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, अब क्या करें,
अगर आपको बिल्कुल ही ब्लाइंड ब्लाइंड गेस करना है, कुछ भी नहीं आता और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, अगर नेगेटिव है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना जिसमें कुछ भी ना पता हो, और अगर नेगेटिव नहीं और आपको अटेम्प्ट करना ही है तो ज़्यादातर एक स्टडी में पता चला है ज़्यादातर बी ऑप्शन सही होता है, और अगर बी नहीं है तो सेकेंड मोस्ट कॉमन आंसर इज सी, ओनली वेन यू हैव टू गेस वाइल्डली एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, सो दीज वर माई 7 स्ट्रैटेजीज, शो शॉर्ट स्ट्रैटेजीज गेस वर्क के लिए. लेकिन गेस वर्क कभी भी तैयारी का शॉर्टकट नहीं है. नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क. ये सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए है जिनमें आप फंस जाते हो, आपको कुछ याद आ भी रहा होता है और नहीं भी आ रहा होता है और कन्फ्यूजन होती है, तो इनको तभी यूज करना जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आना रहा हो, और वैसे तैयारी करके खुशी खुशी अपने पेपर को करिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स, विश यू सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन. अगर आपको लगता है किसी और स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है तो इसे प्लीज शेयर करो. अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना क्या आपके काम आया, और ये भी जरूर बताना कि क्या कोई एग्जाम या कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आप इस टेक्निक से कर पाए. अपने सैंपल पेपर उठाओ, अगर कोई भी टेक्निक आपके काम आए तो जरूर मुझे बताना कि मैम आपकी ये टेक्निक काम आई. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.